Hello everyone, welcome back to Quarantine Chemistry, and in today's lecture we are going to discuss about the relationship between the nearest neighbor distance, that is a small d, edge of the unit cell A and radius of the atom R for pure elements. So when I'm talking about SCC, SCC is your simple cubic unit cell. You can see over here the distance between the nearest neighbor. So these are nearest neighbors and they are touching each other. जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये जो atoms हैं, ये constituent particles, एक दूसरे को touch करते हैं, right? तो इनके mid points will be the interionic distance or nearest neighbor distance, right? तो ये edge length भी इतनी है और distance भी इतना ही है, राइट? सो रेडियस विल बी हाफ ऑफ दिस, द रेडियस विल बी हाफ ऑफ दिस. सो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर ए बी इज इक्वल टू ए, विच यू कैन सी दैट्स योर एज लेंथ, अगेन डी. दिस इज फॉर एस सी सी. फॉर प्योर एलिमेंट्स रेडियस आर इज डी बाई टू बिकॉज एटम्स आर टचिंग ईच अदर. आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर है. ये जो दो एटम है सिंपल क्यूबिक के, ये एक दूसरे को इस तरीके से चिपके हुए हैं. हम दिखा इस तरीके से ताकि आपको एज लेंथ वगैरह पता चले. तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों एटम्स एक दूसरे को इस तरीके से चिपके हुए हैं, राइट? तो इनके सेंटर से जो हम लेंथ डिस्टेंस देखेंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट विल बी डी. और साथ ही साथ एज लेंथ भी वही है यहाँ पर, राइट? और रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे एक का? When we'll divide it by टू, डिस्टेंस को जब हम डिवाइड बाई टू करेंगे तो प्योर एलिमेंट का रेडियस हमको मिलेगा आर इज इक्वल टू डी बाई टू. आई होप एस सी सी इज़ क्लियर. अब आते हैं फेस सेंटर क्यूबिक पे. तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपका फेस सेंटर. तो ये आपका एक फेस है और उसका सेंटर यहाँ पर है, ठीक है? दिस गोज डाइगनल, फेस डाइगनल. सो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर डी, ये वाला हमको चेक करना है. फेस डाइगनल का हमको चेक करना है. तो ये हमारा D है, राइट? तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, ये नेबर है और ये नेबर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? दैट विल बी हाफ ऑफ ए सी. अब यहाँ पर दो एटम्स ये रहे, राइट? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये बीच में है एकदम एग्जैक्टली, तो हाफ ऑफ ए सी. सो डी विल बी हाफ ऑफ ए सी. अब ए सी इज़ वॉट? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लेन है, राइट? सो राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज़ योर हाइपोटेनस. तो हम निकाल सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो वी नो कि ए और बी इज का डिस्टेंस कितना है, दैट इज एज लेंथ. तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये भी एज लेंथ है. सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गिव्स यू टू ए स्क्वायर. तो ए सी अल्टीमेटली कितना हो गया? ए सी इज इक्वल टू रूट टू ए. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर, राइट? तो जब हमने क्या किया, स्क्वायर हटा दिया, तो क्या मिला हमको? रूट टू ए. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ए सी. तो ए सी का वैल्यू क्या है? रूट टू ए. सो वी कैन राइट हाफ इंटू रूट टू ए, दैट इज़ रूट टू ए बाई टू. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ए अपॉन रूट टू. ऑल राइट, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.7078 रूट टू का वैल्यू, 1/√2 का वैल्यू विल बी दिस. आर इज वॉट? डिस्टेंस का हाफ. तो डिस्टेंस कितना है मेरा? माई डिस्टेंस इज वॉट? सो ए बाय रूट टू इज इक्वल टू 0.7078. नाउ आर इज इक्वल टू डी बाय टू, दैट इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टू. तो डिस्टेंस का वैल्यू हमको क्या मिला? ए बाय रूट टू, ठीक है? तो ए बाय रूट टू इंटू दिस टू, ए बाय रूट टू डिवाइडेड बाय टू विल गिव यू वॉट? ए अपॉन टू रूट टू. इन एफ सी सी द इंटरायनिक डिस्टेंस विल बी ए बाय रूट टू एंड द रेडियस विल बी ए बाय टू रूट टू. आई होप एस सी सी एंड एफ सी सी इज़ क्लियर. तो बी सी सी, ये मैंने बी सी सी का स्ट्रक्चर बनाया है. बी सी सी का स्ट्रक्चर, ये आपके एटम्स हैं, राइट? अब बी सी सी है तो मतलब बॉडी सेंटर है, तो ये डायगनल इस तरीके से जाएगा, ये डायगनल इस तरीके से जाएगा. तो डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर, दैट इज़ हाफ सी डी.
ये बॉडी सेंटर है तो ये डायगनल बॉडी डायगनल यहाँ से जा रहा है, तो नियरेस्ट नेबर क्या होगा? नियरेस्ट नेबर या तो सी और इस बॉडी सेंटर के बीच में, अगर मैं इसको पॉइंट जी बोल दूँ, राइट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पर एक बड़ा सा डायगनल आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी हाफ ऑफ दिस, सी जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, राइट। तो इस सी जी के बीच का डिस्टेंस को डी कंसिडर किया, तो डी इज इक्वल टू हाफ सी डी, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, दिस नीचे वाला ए बी डी, तो यहाँ पर ये राइट एंगल पे है, मतलब हाइपोटेनस इज दिस, राइट। सो आई कैन से ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी डी स्क्वायर। तो मुझे पता है कि दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एज लेंथ ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, तो मुझे मिलेगा टू ए स्क्वायर। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो कि है ये ए सी डी, ये वाला अब हम कंसिडर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर सी डी इज माई हाइपोटेनस, सी डी इज माई हाइपोटेनस, सो सी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया ए डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, टू ए स्क्वायर, राइट। तो ए सी इज वॉट, इट्स एज लेंथ, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस, सो ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा रूट थ्री है, क्या मिलेगा, रूट थ्री है, यहाँ पर वन प्लस टू तो अंडर रूट आ जाएगा ये थ्री, और ए स्क्वायर जो है कॉमन, राइट, वो ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, तो इट विल बिकम रूट थ्री ए। नाउ डिस्टेंस जो कि हमने पहले बोला हाफ सी डी, तो सी डी का वैल्यू ये है, राइट, तो हाफ सी डी, सो वॉट इज योर सी डी इज रूट थ्री ए, सो हाफ इंटू रूट थ्री ए दैट इज रूट थ्री ए बाई टू। सिमिलरली हमें पता है कि रेडियस क्या है, रेडियस इज डी बाई टू, सो डी बाई टू विल बी वॉट, इट विल बी रूट थ्री ए बाई फोर, इसके और डिवाइडेड बाई टू करो तो न्यूमिरेटर का डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर, तो टू इंटू टू क्या हो जाएगा, फोर। इसको मैं आपको लिख कर बताती हूँ, आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू अपॉन टू, सो दिस टू विल कम डाउन ओवर हियर, तो क्या होगा, दैट विल बिकम रूट थ्री ए अपॉन टू इंटू टू, तो होगा रूट थ्री ए बाई फोर। आई होप दिस इज क्लियर, सो बी सी इज क्लियर। नाउ देयर इज वन टेबल, यहाँ पे मैंने से लाइंस नहीं ड्रॉ की हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड एज लेंथ, ठीक है, और यहाँ पर रेडियस एंड एज लेंथ। तो एस सी सी में डिस्टेंस इज इक्वल टू एज लेंथ, और एस सी सी में रेडियस इज इक्वल टू ए बाई टू, एफ सी सी में डिस्टेंस और एज लेंथ के बीच का रिलेशनशिप इज डी इज इक्वल टू ए बाई रूट टू, ठीक है, और रेडियस इज ए बाई टू रूट टू। बी सी सी में डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू एंड योर रेडियस इज रूट थ्री ए बाई फोर। आई होप दिस टेबल इज़ वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए हैं, और दो प्रॉब्लम करने के बाद जितने भी प्रॉब्लम है वो आप कर सकते हैं। आई विल बी पोस्टिंग द पिक ऑफ इट ऑफ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन टेलीग्राम क्वारंटीन केमिस्ट्री चैनल जो है उस पर, ठीक है, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है, सो प्लीज़ राइट इट टू मी डाउन इन द कमेंट बॉक्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ वी कम टू द प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स क्या बता रहे हैं हमें, लाइक व्हाट प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली दे आर आस्किंग। सो दे आर आस्किंग मी, ज़ेनॉन क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटाइस एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 620 पिकोमीटर, व्हाट इज़ द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द रेडियस, ठीक है। एफ सी सी हमें पता चल गया, एफ सी सी, तो हमें फार्मूलाज ऑलरेडी पता है एफ सी सी के क्या है। ऑलराइट, क्या ढूंढने बोला है, डी और आर ढूंढने बोला है, एज लेंथ दिया हुआ है, सो एज लेंथ इज 620 पिकोमीटर, डी और आर ढूंढने बोला है। एफ सी सी में डी का फार्मूला इज ए बाई रूट टू, तो वो हम लोग वैल्यूज़ इनपुट करके आराम से निकाल सकते हैं। अब मैंने ये वाला कंसिडर किया है, रूट टू का, वन बाई रूट टू का वैल्यू 0.707 a, तो जब मैं इससे सॉल्व करूँगी तो एकदम माइनर डिफरेंस आएगा, पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा, यू कैन गो विद दैट और इधर यू कैन सॉल्व इन दिस वे कि a का वैल्यू अपॉन रूट टू का वैल्यू दैट इज़ 1.414, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। सिमिलरली रेडियस इज a अपॉन टू रूट टू, तो ये सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर विल बी दिस। इट्स वेरी सिंपल, आता है एग्जाम में, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज सी एस सी एल हैज़ अरेंजमेंट एंड इट्स यूनिट एज लेंथ,
यूनिट सेल एज लेंथ इज़ 400 पिकोमीटर। तो CSCL जो कि आपको पता है कि काइंड ऑफ बॉडी सेंटर्ड है, मतलब बॉडी सेंटर्ड में अज्यूम किया जाता है, बट अगर आप देखें उसका एटॉमिक नंबर एटम्स पर यूनिट सेल, तो सिर्फ वन काउंट किया जाता है, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके यूनिट सेल्स जो हैं, जब उसको लेटाइस में देखो तो उसके यूनिट सेल जो हैं इंटर पेनिट्रेशन करते हैं एक दूसरे में। तो हम उसका यूनिट BCC में एटम्स को टू ना कंसीडर करते हुए वन कंसीडर करते हैं। दैट वाज जस्ट अ नोट। CSCL हैज़ अरेंजमेंट ऑफ इट्स यूनिट सेल एज लेंथ इज़ 400 पिकोमीटर, कैलकुलेट द इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो ये हमने बना दिया पूरा अरेंजमेंट। CL जो है यहाँ पर है, CS बीच में है, तो अब यहाँ पर CE, जैसे कि अभी हमने देखा था BCC का, इन द वेरी सेम वे हमें वैसे ही निकालना है एवरीथिंग। तो CE स्क्वायर ढूंढने के लिए हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज़ राइट इन राइट एंगल ट्राइंगल CDE, इन CDE दिस इज़ योर राइट एंगल ट्राइंगल, CE इज योर हाइपोटेनस। तो CE स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब मुझे पता है दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस, दैट इज़ माई एज लेंथ A, तो ए स्क्वायर प्लस ये भी A हो जाएगा, तो ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें AE फाइंड आउट करना है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACE, AE इज इक्वल टू रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो CE हमने ऑलरेडी निकाला है, दैट इज 2A स्क्वायर, राइट? सो वी कैन पुट द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू डायरेक्टली ओवर, और AC विल बी योर A एज लेंथ। सो ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, CE मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस CA, तो अगेन यू कैन करेक्ट इट, AC इज़ योर एज लेंथ। सो A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सेम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा √3A, एंड यू ऑलरेडी हैव A का वैल्यू, दैट इज़ 400। सो √3 इंटू 400 गिव्स यू 692.82। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कितना होगा डिस्टेंस, हाफ ऑफ AE होगा। सो यू हैव √3A/2, दैट इज़ इक्वल टू आपका 692.82/2, विच गिव्स यू 346.41 पिकोमीटर। सो दीज वर द टू प्रॉब्लम्स दैट वी हैव सॉल्व, एंड इट्स सिंपल इनफ, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज लेंथ। इट्स वेरी सिंपल, इट्स डायरेक्टली फार्मूला, और उस फार्मूले में आपके पास अलग अलग चीज़ें, एज लेंथ है, एटम्स पर यूनिट सेल है, फिर आपका एटॉमिक वेट है, एवोगैड्रो नंबर है, तो टाइप्स हैं उसमें कि आपको एवोगैड्रो नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है, एज लेंथ बोला जा सकता है, ठीक है, डेंसिटी बोली जा सकती है, तो कुछ भी बोला जा सकता है आपको ढूंढने के लिए। तो फॉर्मूला एक ही रहेगा, ये हो सकता है कि उन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ ढूंढने के लिए आपको पहले वो ढूंढनी पड़े और फिर उसके बाद में फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना पड़े दूसरी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम बचपन से करते आ रहे हैं, एंड यू नो यू पीपल आर डूइंग मैथ, सो इट इज़ सिंपल फॉर यू, यू जस्ट नीड टू नो दी फॉर्मूला। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज, केस वन फॉर क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा केस आयनिक के लिए है। सपोज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज़ 8 पिकोमीटर, एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज गिवन बाई कैपिटल M, एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज A³, वी नो दैट एज लेंथ का क्यूब, ठीक है, वो पिकोमीटर में है, तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, 10^-10 और उसका होल क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा A³ × 10^-30। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, A³ निकालने के बाद A का वैल्यू निकालना ना भूलें, बहुत टाइम होगा कि आपको A चाहिए, इंटरआयनिक डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, आपके पास इंटरआयनिक डिस्टेंस है, उसे A निकालना है और फिर इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, तो A को क्यूब करना ना भूलें, आई होप यू आर गेटिंग दैट। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इंटू मास ऑफ ईच एटम, सो दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, दैट इज जेड इंटू एम, एंड एम इज वॉट मास ऑफ ईच एटम। मास कैसे पता चलेगा, आपके एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, सो एम बाय एन जीरो। तो जो आप बोल रहे हैं मास ऑफ यूनिट सेल, तो यहाँ पर क्या है, जेड
और m की जगह पर क्या आएगा, m बाय n ज़ीरो। सो रो इज़ द डेंसिटी, कैसे लिखेंगे आप, z इंटू मास ऑफ यूनिट सेल ना, तो z इंटू m दैट विल बी इन ग्राम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन एज लेंथ का क्यूब, राइट, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब, ताकि आपको क्या मिले, मिले इस तरीके से, इट इज रिटन एज दिस ऑल्सो, राइट। सो द फॉर्मूला इज दिस, यहाँ पर प्लस है। केस टू फॉर क्यूबिक क्रिस्टल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इफ ए इज टेकन इन सेंटीमीटर एंड एम इज द मोलार मास इन ग्राम मोल इनवर्स, द अबव एक्सप्रेशन बिकम्स दिस, कुछ अलग नहीं हो रहा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वही सेम चीज़। इन टर्म्स ऑफ एस आई यूनिट, एम इज इन के जी मोल इनवर्स, तो अभी ए क्या होगा, वो मीटर्स में हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से के जी मीटर क्यूब हो गया। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड ए प्लस बी माइनस हैविंग एफ सी सी स्ट्रक्चर, ए प्लस बी माइनस वाला कौन सा है, एन ए सी एल है, वी हैव डिस्कस्ड इट सो मेनी टाइम्स, तो आपका ए विल बी टू इंटू डिस्टेंस बिटवीन ए प्लस एंड बी माइनस आयन्स, तो ये केस है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। जेड इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितना प्रेजेंट है, एफ सी सी की बात हो रही है तो चार, राइट, वैसे बी सी सी की बात हो रही तो दो, एंड एम इज़ द फॉर्मूला मास, वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ दिस इज दिस, राइट। अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है तो आपको पूरे फॉर्मूले का निकालना पड़ेगा मास, समझ में आ रही बात। रिमेंबर फॉर बी सी सी एल्किली मेटल्स अगर हैं तो आपका एटम्स पर यूनिट सेल विल बी टू, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, सी एस सी एल के लिए आप कितना एटम्स कंसिडर करेंगे, उसके यूनिट सेल में ओनली वन। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ वी कम टू प्रॉब्लम्स, मैंने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, बट आई विल जस्ट सॉल्व वन, क्योंकि इट्स ईजी इनफ, सिर्फ फॉर्मूलेज में आपको सारी वैल्यूज़ इनपुट करनी है, तो सिर्फ एक सॉल्व करूँगी मैं, बाकी दूसरे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं, आई विल बी पोस्टिंग द पिक, और वहाँ से आप प्रॉब्लम लीजिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो प्लीज़ राइट इट टू मी इन द कमेंट बॉक्स ऑन यूट्यूब। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम द एज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप हो सकता है कि ये ढूंढो, दूसरा टाइप हो सकता है एम ढूंढो, फिर तीसरा टाइप एज लेंथ ढूंढो, ए ढूंढो, फिर एवोगैड्रो नंबर ढूंढो। सो लाइक दे कैन आस्क यू द सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज। सिल्वर फॉर्म सी सी पी लेटा है, सी सी पी मतलब एफ सी सी, राइट, तो हमें जेड पता चल गया, चार होगा। एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल शो दैट द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 408.6, तो हमारे पास ए का वैल्यू है, क्या ढूंढना है, रो ढूंढना है, हमारे पास जेड है एफ सी सी 4, एटॉमिक मास दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, राइट, तो हमें क्या निकालना है, हमें रो निकालना है। सो यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट योर डेंसिटी। मैंने यहाँ पे सॉल्विंग की है। दूसरा प्रॉब्लम भी बता देती हूँ मैं आपको। द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच आई हैव डन सेज सी एस सी एल हैव क्यूबिक स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज 3.99 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सी एस प्लस एंड सी एल माइनस आयन, एटॉमिक मास इज बीन गिवन, दैट इज़ 135, उन्होंने सी एस सी एल बोला है, राइट, तो सी एल का हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज़ 35.5। सी एस सी एल हैव बी सी सी स्ट्रक्चर, और हमने डिस्कस कर लिया रिमेंबर में कि जेड हमें वन लेना है, वन फार्मूला यूनिट, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, सो वॉट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, ए क्यूब निकालते हैं, दैट इज जेड इंटू एम अपॉन रो इंटू एन जीरो, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, वॉट वी गेट इज 70.15 इंटू 10 to the power -24, सो नाउ वी हैव वैल्यू फॉर ए क्यूब, तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा हमें, वैन यू विल फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ इट, वॉट यूल गेट, यूल गेट दिस 10 to the power 24 विल बिकम दिस, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3, इसको लॉग से सॉल्व किया है मैंने यहाँ पे, सो ए इज इक्वल टू 70.15 raised to 1/3, तो लॉग ले लीजिए दोनों साइड पर, वॉट यूल टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, सो वॉट यूल गेट
ये रेस टू एक्स है, समथिंग रेस टू एक्स और एक्स रेस टू एन, तो क्या आएगा, एन यहाँ पर आएगा राइट, एंड यू विल गेट लॉग ऑफ 70.15. तो 1/3 कम्स ओवर हियर, 1/3 लॉग ऑफ 70.15. तो लॉग के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, इसको जब आप वैल्यू निकालोगे तो यू विल गेट 1.8460, इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस. ए निकालना है सो इधर का लॉग यहाँ पर आके एंटी लॉग 0.6153 का निकालोगे तो यू विल गेट 4.124. सो दिस लॉग कैलकुलेशन वॉज बेसिकली फॉर HSC बोर्ड. CBSE बोर्ड जनरली गेट्स दी वैल्यूज, ऑल राइट, लॉग की वैल्यूज आपको मिल जाती हैं. ISC बोर्ड सॉल्व इट थ्रू कैलकुलेटर. सो आई होप दैट टुडेज लेक्चर इज क्लियर इनफ कि हमने क्या किया. सो वॉट वी हैव डिस्कस टुडे, सो वी हैव डिस्कस 2 to 3 थिंग्स टुडे. हमने इंट्रायनिक डिस्टेंस देखा, इंट्रायनिक डिस्टेंस, एज लेंथ और रेडियस के कनेक्शंस एक दूसरे से देखे, रिलेशंस देखे, एंड वी हैव सीन डेंसिटी कैलकुलेशन कि डेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके फार्मूलाज देखे हमने, ऑलराइट. और हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए डेंसिटी के, बाकी के आप कर सकते हैं खुद से, जिसमें आपको कोई भी एक चीज़ ढूंढने के लिए बोला जा सकता है. आई होप टुडेज लेक्चर वॉज क्लियर एंड आई होप यू ऑल पीपल आर एट होम सेफ एंड स्टडिंग. स्टूडेंट्स प्लीज स्टडी, डोंट वेस्ट योर टाइम, और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए. हैव ग्रेट टाइम विथ योर फैमिली. थैंक यू.